अन्य सभापति महोदय, आज जो जिस बिल पर चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक संशोधन विधेयक 2017, ये बिल इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, गांव का किसान, मध्यम वर्गीय किसान, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, तमाम क्षेत्रों को इस बिल के माध्यम से निश्चित रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है। माननीय सभापति महोदय, जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, जब इसका एक सीमित दायरा था, केवल नाबार्ड पूर्ण वित्त सहायता करने का काम करता था, आज नाबार्ड का दायरा पूरा देश बढ़ा है और जिस तरीके से नाबार्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण भारत के करोड़ों जीवन को स्पर्श करते हुए उनके जीवन बदलने के लिए नाबार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से जहां हम ग्रामीण आबादी, खास तौर से छोटे सीमांत कृषक, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं, अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, वहीं एक किसान के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, ढांचेगत विकास की आवश्यकता होती है, उसके लिए नाबार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसानों के जीवन को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और किसान की जिंदगी जब पलटेगी, जब हम किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, हम किसान को सस्ती दर पर ऋण देकर उसकी उपज बढ़ाने के लिए संसाधन देंगे, उसकी उपज को अधिक अच्छा मूल्य मिले इसकी भंडारण की व्यवस्था करेंगे, जब जाकर इस देश के किसानों का भविष्य बदल सकता है। और माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर सिंचाई योजनाएं जो 10-12 साल से करीबन 99 प्रोजेक्ट अभी तक सिंचाई के 12 साल तक लंबित थे, 13 साल तक लंबित थे, जिनकी धन की व्यवस्था नहीं थी, कुछ राज्यों के धन का अभाव था, कुछ केंद्र का अभाव था, लेकिन इस बिल के माध्यम से जहां हम 5000 करोड़ से 30000 करोड़ इसकी पूंजी करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस सरकार ने 16-17 के अंदर, 17-18 के अंदर 20-20000 करोड़, अनुमानित 40000 करोड़ रुपए देकर इस लंबित सिंचाई परियोजनाओं को और तयशुदा कार्यक्रम नियत समय पर इसका पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन जल जीवन है और कम पानी के अंदर हमें सिंचाई योजनाएं लागू करना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से वन ड्रॉप मोर कोप के माध्यम से, ड्रिप सिंचाई योजना के माध्यम से किसान के खेत में पानी पहुंचे, उसकी उपज अधिक हो और पानी की बचत भी हो, इसके लिए माननीय सभापति महोदय 5000 करोड़ रुपए का बजट नाबार्ड के माध्यम से इस सरकार ने रखा है। माननीय सभापति महोदय, इस देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर जहां कृषि एग्रीकल्चर हमारा मेन कार्य किसान का, वहां पर पशुपालन भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमें कृषि के साथ साथ उसके अन्य उद्योगों को, ग्रामीण उद्योगों को भी पनपाने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण उद्योग पनपेंगे जब हम इस देश के 125 करोड़ देश में उन नौजवानों के बेरोजगारी को समाप्त करना चाहेंगे।
अगर देश में बेरोजगारी समाप्त करनी है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि के साथ और पशुपालन अन्य उद्योगों को पनपाने की आवश्यकता है। इसलिए स्वाति महोदय, सरकार ने 2017-18 के अंदर 8000 करोड़ रुपए का बजट के माध्यम से, एनडीडीपी के माध्यम से, एनसीडीसी के माध्यम से, जिस तरीके से आज गुजरात में चले जाओ माननीय सभापति महोदय, हर घर का व्यक्ति 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो दूध कलेक्शन कर छोटे छोटे डेयरी प्लांट बनाकर, और जिस तरीके से कृषि के साथ अन्य उद्योगों के साथ रोजगार का काम करता है, इस 8000 करोड़ के माध्यम से हम पशुपालन के उद्योग को बढ़ाएंगे, चिलिंग प्लांट लगाएंगे, प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, गांव के अंदर एक पशुपालक को दूध के साथ साथ उसका एक समान उद्योग खड़ा करने का काम भी करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस नाबार्ड के माध्यम से देश के अंदर जो ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है, जो किसान को सस्ती दर पर ब्याज पर ऋण देती है, इन नाबार्ड के माध्यम से हम तमाम राज्यों को उस किसान को सस्ती दर पर ब्याज मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के कई राज्य है जहां पर 1.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 0% ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जाता है, और इस ऋण देने में सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम होता है तो नाबार्ड होता है, जो उनको रीफाइनेंसिंग करने का काम करता है। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसान की जिंदगी को बदलने का काम हुआ है। कोई जमाना था जब इस ग्राम सेवा सहकारी समिति में 18%, 16%, 12% ब्याज लगता था। सूदखोर गांव के अंदर जहां पर किसान फसल बेचना जाता था, वह आड़ते पैसा ले लेता था, सूदखोर को बड़ी महंगी ब्याज पर किसान को पैसा लेना पड़ता था। लेकिन इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से, जो नाबार्ड रिफाइनेंस करती है, इसके माध्यम से गांव के किसान को आज 0% में और कई 1% पे 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नाबार्ड के माध्यम से इस देश की 60,000-62,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां, टेक्स प्राइमरी सोसाइटी को हम कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। हम सारे देश के इस अंतिम कोऑपरेटिव सेक्टर को, जिसके माध्यम से कोऑपरेटिव सेक्टर से किसान जुड़ा रहता है, भूमिहीन मजदूर जुड़ा रहता है, छोटा किसान जुड़ा रहता है, कोऑपरेटिव से कंप्यूटर सेक्टर जुड़ने के बाद हम सस्ती दर पर लोगों को ब्याज देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मेरे मित्र भी जिक्र कर रहे थे, मैं वो कह रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, हम ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के साथ पहली बार 85 लाख स्वयं सहायता समूह, जिसमें 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, जो अनपढ़ महिलाएं हैं जिनको आज रोजगार करना नहीं आता, 10 करोड़ महिलाओं को इस नाबार्ड के माध्यम से हमने रेगुलराइज करने का काम किया है, छोटा ऋण देने का काम किया है, और उसके माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं को हम आत्मनिर्भर खड़ा करने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस नाबार्ड के नए संशोधन के माध्यम से करेंगे। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये नाबार्ड केवल पूर्ण वित्त फाइनेंस नहीं कर सकता। पहली बार इस नाबार्ड के माध्यम से हमने सिंचाई सेक्टर के रकबे को बढ़ाने का काम किया है, हमने 4 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया है, हमने 10.37 लाख ग्रामीण पुलों का निर्माण किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ग्रामीण क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया था, ग्रामीण सड़कें नहीं बनती थी, नाबार्ड के माध्यम से आज गांव में जो सड़क बनती है, राज्यों को जो फाइनेंस किया जाता है, सस्ती दर पर फाइनेंस किया जाता है, नाबार्ड के माध्यम से किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हमारी योजना है कि हम किसान को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, जब अब नोटबंदी का सवाल आया था, उस नोटबंदी के सवाल के समय हमने पहली बार इस देश के 15 करोड़ किसानों को 500 करोड़ रुपया 2 महीने का ब्याज जो उन पर लगता था, वो 2 महीने का ब्याज सरकार ने देकर 15 करोड़ किसान के खातों में भेजने का काम हमने नाबार्ड के माध्यम से किया है। माननीय सभापति महोदय, ये बिल एक महत्वपूर्ण बिल है, जिसमें रूप से मैं कह सकता हूं कि जहां पर
हम इसकी पूंजी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्र कह रहे थे कि रिजर्व बैंक के अंदर इसका 0.4 हिस्सा है। माननीय सभापति महोदय, रिजर्व बैंक जो मालिक होता है वो सुपरविजन एजेंसी नहीं हो सकती, और इसलिए सरकार ने इसको ठीक किया है कि रिजर्व बैंक के डायरेक्शन पे, सुपरविजन पर नाबार्ड काम करेगा, लेकिन मालिक भी हो वही मालिक रिजर्व बैंक हो जिसका जरा सा हिस्सा है, और वही मालिक सुपरविजन एजेंसी है। ये तकनीकी रूप से इस बिल में कमी थी जिसको इस सरकार में हमारे मंत्री जी ने लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं माननीय महोदय, इसमें छोटे लघु सीमांत लोगों को काम करने के रोजगार देने के लिए जहां पर 10 करोड़ रुपए तक का हमने प्रावधान रखा है, सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ का प्रावधान रखा है। हमारी योजना है कि हम गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, गांव के अंदर नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, किसान की आय को बढ़ाने का काम करें, इसलिए नाबार्ड इन सारे चीजों को काम करेगा। सिंचाई के रकबे को बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, भंडारण की क्षमता देगी, सस्ते दर पर ऋण देगा, और गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए डेयरी सहित छोटे लघु उद्योग को, कुटीर उद्योगों को खड़ा करने का काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, ये बिल जिसमें आपने इस पूंजी को बढ़ाने का काम किया है, और आज इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और गरीब किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान, 23 लाख किसानों को, माननीय सभापति महोदय, 23 लाख किसानों को 1 लाख से 2 लाख तक पैसा देकर उनको, छोटे भूमिहीन किसान, गरीब किसान जिनके जमीन नहीं थी, उनको 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का लोन देकर उन छोटे भूमिहीन किसानों को काम के खड़ा करना, कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, आत्मनिर्भर करने का काम इस बिल के माध्यम से होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जो बिल लाए उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि आज नाबार्ड का दायरा बढ़ा है, नाबार्ड का दायरा बढ़ा है, नाबार्ड लगातार लाभ में भी आ रहा है, तो नाबार्ड का दायरा बढ़ा है जिसके माध्यम से गरीब किसान को, हस्तशिल्प वालों को, हाथ करगा वाले को, मजदूर को इसका लाभ मिलेगा, और निश्चित रूप से इस बिल के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होगा, ग्रामीण आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, देश के किसानों को हम दुगनी आय करने का एक लक्ष्य बनाने के साधन जो प्रधानमंत्री ने तय किया है उसको पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।